हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हफ्ती फैन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, कहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं और कहाँ तक हम कहाँ पे एग्जिट हो पाएंगे, तो उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी आप डेली में देखिए तो मार्केट ये कंटिन्यूअस ऊपर ही जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक जोन दिया हुआ है, जैसे 27,815 टू 27,661। तो इसको ब्रेकआउट करने का बात ही आपको बाय लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये जो जोन बनाया, तो अराउंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आप जैसे जोन दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 2-3 बार ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए। जैसे यहाँ पे ट्राई किया था, यहाँ पे भी ट्राई, और ये फिर से ट्राई कर रहा है इसको तोड़ने के लिए। अगर इसको तोड़ के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया तो वहाँ पे आप बाय जा सकता है। तो बाय जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 27,800 के आसपास ही बाय जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ से जा मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग डेली रेजिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अगर सेल में जाए तो सेल में आप जाना है तो इसका नीचे में ही सेल जाना चाहिए। तो उसका अगर सेल में गया तो जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो कॉल सॉरी पुट को बाय करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 27,000 में ही टारगेट रहेगा। तो मुझे लगता है इसको ब्रेकआउट किया तो यह मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो इसका बीच में आप ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट चोपी मार्केट होके यहाँ पे घूम घूम भी सकता है। तो इसलिए इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, और नहीं तो नीचे में ये ब्रेकआउट करना चाहिए, तो इसमें आप एंट्री कर सकता है। और अगर हम देखें तो निफ्टी में, जैसे आप देख सकते हैं ये निफ्टी निफ्टी आप मैंने जो लाइन दिया था, जो तो निफ्टी का मैंने एक डेली में एक लाइन दिया था, जिसे आप देख सकते हैं ये, इसको ब्रेकआउट करने का बाद ही आप बाय में जा सकते हैं। तो आप भी आप देख सकते हैं अभी ऑलरेडी ब्रेकआउट किया, तो मुझे लगता है ये अगर ब्रेकआउट किया तो ये कहाँ तक जा सकता है निफ्टी। तो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट तो मैं किया कि जो पहली हायर पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा टसेस एरिया हायर पॉइंट, तो वो हायर पॉइंट का आसपास में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है 11,000 निफ्टी, आप देख सकते हैं 11,100, तो आप पकड़ लीजिए 11,000। तो मुझे लगता है 11,100 तक जा सकता है यहाँ 5 मिनट में, क्योंकि इसको ब्रेकआउट किया। और देख सकते हैं आप ये हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, जैसे ये हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। तो नेक्स्ट हायर हाई का टारगेट रहेगा 11,100। तो इसको हम अगर फिबोनाची ऐड करके भी देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस इसका आसपास है क्या नहीं। तो अगर हम फिबोनाची यूज़ करके देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं ये फिबोनाची से भी दिखा रहा है, ये 161 का आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये मैंने जो वेव मिला, ये ए वेव, जैसे ये बी और सी, सी आप देख सकते हैं यहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट किया और नेक्स्ट एक्सटेंशन मिला हुआ है 161। तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट मार्केट यहाँ से 161 अराउंड 11,100 तक जा सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।